Hello everyone, welcome back to my channel Fun with Crafts. So I am Pranika Saxena and today we are going to decorate a notepad on panda theme. So this is very easy and hope you like it and like the video, share it with your friends and family and subscribe my channel. So let's start. So everyone, so हमें इस decoration के लिए एक notepad चाहिए होगा. मैंने एक यहाँ पे छोटा सा कोई notepad लिया है और इसके size की मैं एक white sheet ले लूँगी और इसको मैंने ऐसे पेंसिल से मार्क कर दिया है और फिर ये मार्क करे हुए होल्स को हम ऐसे पंच कर लेंगे पंचर से. तो यहाँ पे मैंने इसको पंच कर दिया है. तो अब हम इसको इस नोट पैड पर फेविकॉल की हेल्प से स्टिक कर देंगे. सो एवरीवन, अगर आपको ये डेकोरेशन पसंद आई हो तो फिर मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा. तो यहाँ पर मैं इसको स्टिक कर रही हूँ ऐसे अच्छे से. अब मैंने इसको ऐसे अच्छे से स्टिक कर लिया है. इसको बस थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे से बिल्कुल इस पर सिक्योर हो जाए. यहाँ पे ये अच्छे से स्टिक हो गया है. तो अब मैं कुछ ऐसे ब्लैक कलर के ऐसे कुछ शेप्स ले रही हूँ ईयर्स. तो इनको मैं अच्छे से इस पर स्टिक कर दूँगी. ईयर्स को हम इसके ऊपर स्टिक करेंगे एंड कुछ ऐसी आईज और मैंने हैंड्स लिए हैं. तो हैंड्स को मैंने थोड़ा सा फोल्ड कर लिया है ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए और थोड़ा सा ऐसे पॉकेट टाइप का लगे और कुछ वैसे ही मतलब. तो मैं यहाँ पे मैंने ईयर्स को अच्छे से स्टिक कर दिया है. अब मैंने आईज को ऐसे स्टिक कर दूँगी. कुछ आप ओवल टाइप की कुछ शेप ऐसे कट कर सकते हैं. तो यहाँ पर मैंने आईज को स्टिक कर दिया है. अब मैं इसको हैंड्स को स्टिक करूँगी. तो मैंने इनको फोल्ड कर लिया था कुछ ऐसे और इनकी फोल्ड करी हुई पतली सी साइड को हम फेविकॉल से चिपका देंगे अंदर की तरफ. देखिए कुछ इस तरीके से चिपकाएंगे हम. यहाँ पर मैंने एक हैंड को चिपका लिया है, दूसरे को अब मैं चिपकाऊंगी. तो यहाँ पे मैंने दोनों हैंड्स को चिपका लिया है. तो कुछ ऐसे मैंने चिपकाया है यहाँ पे. और अब मैं इसकी छोटी सी क्यूट सी नोज बनाऊंगी. सो गाइस, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, वो मेरी वीडियोस को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं. तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को अगर आप नए हैं और आपने नहीं किया हो तो जल्दी से कर दीजिए. तो यहाँ पे मैंने नोज़ इसकी ऐसे बना के रेडी कर दी है ड्रॉ करके. अब यहाँ पे मैं कुछ ऐसे वाइट कलर के वाइटनर आप यूज़ कर सकते हैं उसके आइस के ऊपर. ऐसे मैंने कुछ ऐसे मतलब बना दिया है. और अब मैं ले रही हूँ डेकोरेटिव टेप और उसके नीचे तो मैं नोट पैड के नीचे ऐसे छोटा सा चिपका दूँगी थोड़ी सी एक ऐसी स्ट्रिप. कलरफुल टेप लिया मैंने यहाँ पर, अच्छा लग रहा था मुझे इसलिए. अगर आपके पास टेप नहीं है तो भी आप कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शनल है पूरी तरीके से. अगर आपको चाहिए तो आप इस पर डेकोरेट कर सकते हैं, मैं सिर्फ डेकोरेशन के लिए इसको चिपकाया है. तो यहाँ पर हमारा नोट पैड डेकोर बन के रेडी है. तो यहाँ पर बन के रेडी है ये. तो देखिए आप ऐसे पेंस को उस पर हैंड्स के अंदर ऐसे लगा भी सकते हैं, बहुत प्यारा लगेगा. तो देखिए हमारा नोट पैड कितना क्यूट लग रहा है. तो चलिए इसके अंदर पेन से कुछ लिखते हैं. तो कैसा लगा आपको ये अच्छा सा नोटपैड डेकोर? अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ. तो बाय एवरीवन, बाय. सो एवरीवन,
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब मेरे चैनल को भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।